प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग अभी देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, कब इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है एंड हाउ विल यू ट्रांसलेट। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ। जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, ठीक है। सेकंड इज टू टॉक अबाउट रूटीन एक्टिविटीज, जो काम हम लोग डेली करते हैं रूटीन एक्टिविटी कहते हैं उसको, ठीक है, और उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, जो काम अक्सर करते रहते हैं वो सभी रूटीन एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अब ये हमेशा किया जाता है, ठीक है, हमेशा करने वाला स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, ये रूटीन एक्टिविटी है और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ओके, अगला क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू एंड डज। दो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, डू एंड डज। डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल हो, प्लूरल नाउन, उसके साथ डू लगाएंगे। डज ही शी इट सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म किसमें लगेगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी जहां डू नहीं लगेगा वहां पर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जहां डज नहीं लगेगा वहां पे क्या लगेगा, ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फाइव, कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बताइए। सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा, अगर ये मिले तो हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइव, जैसे हम लोगों का नौकर काम करता है, देखिए लास्ट में ता है, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ते है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, ते है, वह रोज स्कूल जाता है, ता है, रोहित अंग्रेजी नहीं जानता है, ता है, क्या वह रात में पढ़ती है, ती है, ता है, ती है, अगर मिले सेंटेंस के लास्ट में तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, कोई भी सेंटेंस जो सिंपली इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोगों का नंबर काम करता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ काम करता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव किसको कहेंगे, जिसमें नहीं लगा होता है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दे जो नहीं के सेंस में, ठीक है, जैसे ये लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, अब ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। गॉट इट। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज फॉर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट देन डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में डू या डज में से कोई एक, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो यहां देखिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद आया है। फाइव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिखे हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों का नौकर क्या करता है, काम करता है, कौन सा टेंस है, ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट,
यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म कौन सा यूज होगा उसके लिए सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी के साथ क्या लगेगा बताइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वी, इसके साथ वर्ब का कौन सा लगेगा फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है हम लोगों का नंबर काम करता है, ठीक है, तो करना क्या होगा काम करना क्या होगा वर्ब, वन मिनट, यहाँ पे क्या है हम लोगों का नौकर काम करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वी नहीं है, सब्जेक्ट है हम लोगों का नौकर आवर सर्वेंट, ओके, सब्जेक्ट क्या है आवर सर्वेंट, आवर सर्वेंट, ओके। अब आवर सर्वेंट क्या है, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा फिफ्थ फॉर्म, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो क्या होगा यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आएगा, क्या होगा फिफ्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वर्ब का वर्ब्स, तो क्या सेंटेंस बनेगा हम लोगों का नौकर काम करता है आवर सर्वेंट वर्ब्स, फाइन। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट वे लोग यानी दे, वे लोग यानी दे, ठीक है, अब क्या होगा सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट क्या है दे है, तो दे के साथ बताइए क्या लगेगा, दे के साथ डू, डू लगेगा, हम लोग यहां लगाएंगे डू, दे डू, इसके बाद क्या लगेगा नॉट, यहाँ नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता भी है, ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या है वर्ब खेलना, तो क्या लिखेगा प्ले, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या करना फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल, तो क्या सेंटेंस बना दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, अब ये कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ठीक है, दे है मिल गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, कैसे बनाएंगे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अब दोनों में से कौन सा होगा ये कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा, सब्जेक्ट खोजिए क्या है सब्जेक्ट, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं आप, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा बताइए, यू के साथ डू, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डू डू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आप यानी यू, डू यू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्यायाम करना टेक एक्सरसाइज, तो क्या हो जाएगा टेक एक्सरसाइज, ऑब्जेक्ट क्या है प्रतिदिन यानी एवरी डे, एवरी डे, देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रोज स्कूल जाता है, अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में पहले क्या होगा सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है वह, तो क्या हो जाएगा ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो ही के साथ क्या लगता है ही के साथ, यहाँ देखिए ही के साथ फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, यानी एस एस वाला, तो क्या लगेगा गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गो हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल और रोज, तो गोज टू स्कूल, और एक और ऑब्जेक्ट है क्या रोज यानी डेली, तो क्या सेंटेंस बना ही गोज टू स्कूल डेली, चलिए नेक्स्ट बनाइए रोहित अंग्रेजी नहीं जानता है, निगेटिव सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट क्या है रोहित, तो यहां पे लिखेंगे रोहित,
इसके बाद सब्जेक्ट हो गया रोहित, इसके बाद डू या डज में से कोई एक, तो रोहित क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ डज, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डज, रोहित डज। इसके बाद नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, रोहित डज नॉट। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जानना मीन्स नो। इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं जानता है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश का पहला लेटर कैपिटल होगा, सब्जेक्ट के नाम का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, तो क्या सेंटेंस बना, रोहित डज नॉट नो इंग्लिश, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वह रात में पढ़ती है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, इसके लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वह यानी सी, वह रात में पढ़ती है यानी सी। अब सी के साथ क्या लगता है, देखिए सी के साथ डज लगेगा, सी के साथ डज, तो हम लोग लिखेंगे पहले डज, डज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह सी, डज सी। इसके बाद वह का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ती है, पढ़ना, ठीक है, स्टडी, डज सी स्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है, रात में, तो क्या हो जाएगा, एट नाइट। देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना, डज सी स्टडी एट नाइट, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें क्या लगेगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।